कहाँ जा सकते हैं वो यार? कहाँ जा सकते हैं? यकीनन इस हॉस्पिटल में ही कहीं घूम रहे होंगे। मैं किसी को जाके बोलती हूँ कि उन्हें ढूंढ कर लाए। बाजिल भाई, कैसी हो नैना? बाजिल भाई, मुझे माफ कर दीजिएगा, आप वापस तो आ गए हैं लेकिन मेरी आपसे ठीक से बात भी नहीं हो सकी। अरे हो जाता है, ऐसा कोई बात नहीं। सॉरी, कुछ मसरूफियात बढ़ गई थी मेरी। तो तुम अपने काम में मसरूफ थी या अपने नए बॉयफ्रेंड में? नया बॉयफ्रेंड? सुना है कोई बॉयफ्रेंड है तुम्हारा? हाँ, अच्छा तो याद आ गया मुझे। वैसे हमारी जिंदगी में कब कहाँ से कौन आ जाए हमें मालूम नहीं होता। देख रहा हूँ कि मेरे जाने के बाद ये जगह और यहाँ के लोग काफी बदल चुके हैं। वैसे हाँ, क्या आप मेरी किसकी बात कर रहे हैं? आयला। हाँ बिल्कुल यार, तुम्हारे जाने के बाद मैंने और आयला ने काफी टाइम स्पेंड किया एक साथ, और तुम तो जानते हो आयला और मैं अच्छे दोस्त भी हैं। और वैसे भी मेरा तो काम है लोगों के मसाइल सुनना, और उनके मसाइल सुन के उनकी मदद करना ये मेरी पुरानी आदत है। लेकिन डॉक्टर सिन्हा मेरी ये बात नहीं समझते। वो हर वक्त मुझ पर चीखते रहते हैं और मुझे रुलाते रहते हैं। वो ये बात भूल जाते हैं कि मैं एक मासूम सी लड़की हूँ, नाजुक सी। वो रहा, मिल गया वो पेशेंट बाज़े, हटो। ये लड़की भी पागल है। सर 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 सर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अपने रूम में क्यों नहीं? आप वहाँ से निकले क्यों जबकि मैंने आपसे कहा था कि मेरा इंतजार कीजिएगा, मैं अपने सीनियर डॉक्टर को लेकर अभी आपके पास आती हूँ। आपकी वजह से डॉक्टर मुराद की इतनी इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन भी खराब हो गई। उसके बावजूद भी मैं डॉक्टर सिनान को अपने साथ वहाँ ले आई, लेकिन आप तो कमरे में मौजूद नहीं थे। आपको अंदाजा भी है कि उन्होंने कितना गुस्सा किया मुझ पर? बस करो, एक मिनट खामोश तो हो जाओ। तुम बहुत ज्यादा बोलती हो। माफ कीजिएगा सर, मैं कुछ ज्यादा ही बोल देती हूँ। वैसे सर आपने बताया नहीं, आपको मसला क्या है? क्या बीमारी है बताएं? बेटा मुझे नींद की बीमारी है। जहाँ भी लेटता हूँ नींद आ जाती है। नींद में चलने की भी आदत है। मेरी इस आदत से मेरी बीवी भी बहुत परेशान थी। अच्छा, तो ये वजह है यहाँ वहाँ घूमने की? बेटा ये सब कुछ मेरे बस में नहीं है। समझ गई, आप परेशान मत हो, आपकी बीमारी का इलाज मैं करूँगी। आइए मेरे साथ। चलें आराम से। आइए सर, आइए यहाँ बैठिए। प्लीज आप आराम से लेट जाइए। बात सुने सर, मैं जब तक नहीं आती आप यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। मैं अभी जाकर अपने सीनियर को बुला लाती हूँ। प्लीज सर, आप यहाँ से कहीं मत जाइएगा, मैं अभी आती हूँ। जरा जल्दी आ जाना। हाँ सर, प्लीज कहीं सो मत जाइएगा आप। अगर सो गए तो आप नींद में पता नहीं कहाँ घूमने फिरने चले जाएंगे और फिर से सारा इल्जाम मुझ पर आ जाएगा। और इसलिए वो आराम करें आप। मैं अपने सीनियर को लेकर अभी आपके पास आती हूँ। घबराए मत आप, मैं अभी आती हूँ, आप मेरा इंतजार कीजिएगा यहाँ पर। अरे वाह नैना, क्या कमाल का आइडिया है। वो कहीं नहीं जा सकते अब, और ना ही डॉक्टर सिनान इस बार चिल्लाएंगे मुझ पर। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमने ये ब्रोशर्स भी आपके लिए प्रिंट करवाए हैं। हम चाहते हैं कि हमारे नौजवान डॉक्टर्स अपने दोस्तों और घर वालों को भी इससे मुतालिक आगाही दें, क्योंकि जब तक इसके बारे में तमाम लोगों में आगाही नहीं फैलेगी, हम कभी भी इस मसले से निमट नहीं पाएंगे। समझ रहे ना डॉक्टर नैना? आई रिक्वेस्ट, प्लीज किसी चीज को हाथ मत लगाइए। डॉक्टर सिनान आप जा सकते हैं। तो प्लीज चीखेगा मत, वरना आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती कि आप हाई ब्लड प्रेशर के मरीज बने। मुझे पता है कि आपको गुस्सा तो बहुत आ रहा होगा, लेकिन क्या करूं मैं अपने फर्ज के आगे मजबूर हूँ यह सब करने पर। चले मैं आपको बता देती हूँ कि ये चाबी जो मेरे हाथ में है ना, इससे नींबू पानी बना सकती हूँ। अच्छा कुछ नहीं, आगे बोलो। चलिए ठीक है, मैं आपको आगे बताती हूँ। मैं जिस मरीज की बात आपसे कर रही थी उसको कमरे में बंद करके उसकी चाबी अपने साथ नहीं आई हूँ मैं। क्या किया, क्या किया तुमने? बहुत अफसोस की बात है, मैं जो कुछ आपसे कह रही हूँ आप उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि मैंने उस मरीज को कमरे में बंद कर दिया है। अब आप मुझसे पूछ सकते हैं कैसे क्यों किया मैंने। मैं एक ही सवाल बार बार नहीं पूछने वाला। चले ठीक है, आप मुझसे ना पूछे, मगर फिर भी आपको बता देती हूँ मैं। जिस मरीज की मैं बात कर रही हूँ उसे नींद की बीमारी है। वो कह रहे थे कि वो कहीं पर भी सो जाते हैं और वो नींद में चलते भी हैं, ना जगह देखते हैं, मौका फुट करके सो जाते हैं भाई। वैसे तो ये इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन फिर भी सोचने वाली बात है कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। कहीं वो नींद में चलते चलते किसी गाड़ी के नीचे आ गए तो? अच्छा मजाक किया ना मैंने, मजाक को भी रहने देती हूँ मैं।
सिनान डॉक्टर होने के नाते हमें उस बूढ़े आदमी की मदद करनी चाहिए, क्या कहते हैं आप? क्या तुम सच कह रही? हाँ मैं सच कह रही हूँ, हमें उस बूढ़े आदमी की मदद करनी चाहिए। और डॉक्टर, उन्हें कमरे में बंद करने के पीछे भी यही वजह थी कि वो कहीं खो ना जाए। चलें आप भी मिल लें उनसे, वो यकीनन आपसे मिलकर बहुत खुश हो जाएंगे। चलें, वो इंतजार कर रहे होंगे आपका। ठीक है। बताएं, ये सब करके अच्छा किया ना मैंने? नैना, तुम ठीक तो हो? ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ। वो चाबी तो फ्रिज के नीचे चली गई है। तुम आखिर क्या चीज हो यार नैना? पहले तुमने उन्हें बंद किया और अब चाबी भी खो दी। तुम इस दुनिया का आठवां अजूब हो। शुक्रिया तुम्हारा। डॉक्टर सिनान, मैं अपने दिफा में कुछ कहना चाहूंगी क्योंकि इस बार मैंने कुछ गलत नहीं किया। वो सब कुर्सी रखने वाले की गलती थी, मेरी नहीं। क्या कोई रास्ते के बीच में कुर्सी रखता है? ऐसा करने से पहले बंदा एक बार सोच लेता है कि उस कुर्सी से कोई नीचे गिर भी सकता है। और देखिए, आपके सामने मैं भी गिर गई थी, हाथ पांव भी टूट सकते थे मेरे। इसलिए यही कहूंगी मैं, कुर्सी रखने वाले का कसूर है। तो ये सब कुर्सी की वजह से? आर यू श्योर? बट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये कुर्सी की वजह से नहीं हुआ बल्कि सिर्फ इस वजह से हुआ कि तुम देखकर बिल्कुल नहीं चलती। डॉक्टर आप मुझ पर तंज कर रहे हैं, कहा ना इस बार मेरी कोई गलती नहीं थी। मैं तो आपसे यही कहूंगी कि इस बार तो मैं बिल्कुल मजलूम हूँ, तो आप भी प्लीज मान लीजिए कि मेरा कोई कसूर नहीं था। आप खुद इस बारे में सोचिए, क्या मुझे अपनी परवाह नहीं? जरा एक बात बताएं, आप हमेशा मुझे ही क्यों गलत समझते हैं? हाँ, चाहे कसूर किसी का भी हो, आप मुझे ही इल्जाम देते हैं। अगर आप इसका जवाब मुझे नहीं दे रहे तो मैं ही बता देती हूँ, क्योंकि मैं हूँ ही इतनी सीधी सादी। इसलिए आप हर बार मुझे ही टारगेट करते रहते हैं। आपको एहसास भी है कि जब भी आप ऐसा कहते हैं तो मेरे दिल पर क्या गुजरती है? बहुत दुख होता है। चुप हो जाओ नैना, आखिर तुम कितना फजूल बोलती हो। एक तो चौकीदार भी नहीं मिल रहा, अब दूसरी चाबी कहाँ ढूंढे? डॉक्टर। क्या? डॉक्टर प्लीज, मुझ पर गुस्सा करने के बजाय आप उस मरीज का सोचें जो कमरे में बंद है। हाँ तो? मुझे लगता है कि हमें उन्हें जल्द बाहर निकालना चाहिए। तो प्लान क्या है तुम्हारे पास? टीम वर्क ही ड्रीम वर्क होता है। तो आओ। चलो चलो और जोर लगाओ। मैं तो अपना पूरा जोर लगा रही हूँ लेकिन ये तो अपनी जगह से हिल भी नहीं रहा। बहुत भारी है ये तो। ठीक है, समझ गई मैं। तो मतलब अब तुम कुछ ऐसा करोगी कि ये इधर से उधर चला जाए? प्लीज डॉक्टर सिनान, आप बातें बंद करें और मेरी मदद करें इसको हटाने में। ओके। मर गई माँ। मिल गई, देखे मिल गई चाबी। आराम से नैना, कहीं मेरी आंख में नहीं मारते ना। चलो आज खड़ी हो जाओ। वैसे दरवाजा तो खुला, इस चाबी की तो कोई जरूरत ही नहीं थी। जबरदस्त जोक था। चलो अब ठीक है, लेट्स गो, चलते हैं। ये फिर गायब हो गए? अब कहाँ चले गए ये? ये सब क्या है नैना? एक मिनट रुके, वो यहीं कहीं मौजूद होंगे यार, शायद इस कबर्ड में। यार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? मैंने उन्हें खुद कहा था कि हम मेरा इंतजार करें। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो आखिर यहाँ से जा कहाँ सकते हैं। डॉक्टर सिनान प्लीज, मुझ पर भरोसा रखें, वो यहीं पर थे। नैना आखिर तुम करना क्या चाह रही हो? अगर ये मजाक है तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। आ रही समझ? बकौल तुम्हारे ही कमरा तुम लॉक करके गई थी लेकिन फिर भी यहाँ कोई नहीं, आखिर तुम करना क्या चाह रही हो? देखो नैना, मुझे इस तरह के मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं। खुदा का वास्ता बड़ी हो जाओ। अरे यार ये पेशेंट तो पागल कर देगा मुझे। मुझे तो समझ नहीं आ रहा वो आखिर गायब कैसे हो गए, जबकि मैं उनको खुद पर्सनली यहाँ पर बंद करके गई थी, जबकि वो यहाँ इस वक्त मौजूद नहीं है। कहाँ गए वो? चाबी भी किसी काम की नहीं है।